14 गांव यहां जो है अटवाला में विस्थापित हुए हैं। हमको मुख्य परेशानी यहां भी यह है कि हम लोगों का जो ऊपर से जो है पेयजल का जो वायदा किया गया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ, और है तो कहां पे है वो, मैं ये देखना चाहता बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग माध्यम से, कि वो कहाँ पे है, वो कौन सी योजना बनी है जो आज तक हमारे लिए पेयजल के लिए हम लोग गुजारा कर रहे हैं, केवल सिंचाई की ट्यूबवेल। अब सिंचाई ट्यूबवेल आज है कल नहीं होंगे, वापस लेते हम, अब हम क्या करेंगे। हमें ऐसी परेशानी है क्योंकि हमें 2 महीना हो गया मकान बनाते, तभी इधर से ला रहे पानी, तभी उधर से ला रहे पानी। लोग ऐसे बोलते हैं कि कैसे प्रधान है जो पानी नहीं देते हैं, तो अब बोल रहे हो कि आज लाओ पानी, आज आ रहा पानी, कल आ रहा पानी, तो वैसे बोल रहे प्रधान जी। देहरादून के अठुरवाला ग्राम में बांध विस्थापितों को बसाया गया है, लेकिन मैंने देखा कि ये जैसे कैसे कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पानी की कमी के कारण फसल बर्बाद हो रखी है, वह एक ट्यूबवेल से ही पूरे गांव को पानी जाता है। जब जो है ट्यूबवेल वगैरह जब अचानक बिजली ना होने से या ट्यूबवेल की मोटर खराब होने से जब वो खराब हो जाती है तो तत्काल उसकी जो है रिपेयर करने की व्यवस्था नहीं है, एक बात। उससे क्या होता है कि जब पानी की धान की फसल या गेहूं की फसल में जब पानी एक या दो बार नहीं मिलता है उनको, अगर मान ले 1 महीना 1.5 महीने के बाद मिलता है, तो वो फसल जो है निर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है, और जिससे लोगों को जो है फसल का भी नुकसान होता है। और यहाँ पर जो है फसल का नुकसान होने से का मतलब ये है कि जो लोग उस पर आधारित हैं अपनी खेती पर, वो लोग जो है फिर उससे जो है उनकी जो है आर्थिक हानि होती है। मैं चाहती हूँ कि इन टिहरी बांध विस्थापितों के लिए पानी की अलग व्यवस्था हो, जिससे इनकी खेती भी बनी रहे और फसल भी बर्बाद ना हो। इसके लिए आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं और ग्राम प्रधान अठुरवाला को मंजू चमोली को 9012527478 पर कॉल करें। इंडिया अनहर्ड के लिए देहरादून उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।